फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टाइम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडेंटिटी वन। आइडेंटिटी वन क्या है? पिछली वीडियो में भी मैंने आपको 20 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ बताई थी। उसमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो क्या थी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारे क्वेश्चन में गिवन है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। मीन्स x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4 गिवन है और आपको फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर गिवन है तो इसलिए हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की है। और ये भी प्लस है, वो भी प्लस है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस की ही आइडेंटिटी यूज की है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू, इसमें फोर गिवन है तो फोर का स्क्वायर। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों किया स्क्वायर? क्योंकि हम स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की फॉर्म में फाइंड करनी है। एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 जा 16। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया और इसकी इक्वल में 16 गिवन है और यहाँ पर प्लस का 2 है तो साइड जब चेंज करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14। इस तरह आप कोई भी नंबर एक्स प्लस 1 बाय एक्स की कोई भी वैल्यू गिवन है उस तरह इससे आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने आइडेंटिटी में पुट करके किया। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको थोड़े फास्ट करने हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर गिवन है उसका स्क्वायर कर ले, जैसे 4 4 जा 16 और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑप्शन गिवन होगा तो उससे इससे आप इस मेथड से आप क्विकली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करने में आपको टाइम लगेगा। क्योंकि जो भी आपको नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करो, जैसे 4 का स्क्वायर 16 और आइडेंटिटी में यहाँ पे 2 आता है क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचा तो ये इस नंबर को माइनस कर दो। इसको माइनस करना है, प्लस नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर प्लस की आइडेंटिटी है तो माइनस करना है, अगर यहाँ माइनस की आइडेंटिटी होगी तो प्लस करना है। तो जो भी नंबर होगा, जैसे इसका 14 आ गया तो जो भी ऑप्शन में 14 जिस नंबर पर भी होगा उसको आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज आपको यहाँ पर 4 की जगह 14 गिवन है तो आप क्या करेंगे, सपोज आपको यहाँ पर 14 गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, मीन्स यही क्वेश्चन है और आपको 4 की जगह 14 गिवन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 14 गिवन है तो भी सेम ही मेथड है, बस आपको क्या करना है 14 का स्क्वायर करना है और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू बी क्या है 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, क्या आ जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस 2।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 194। इस तरह से आप कोई भी नंबर गिवन है तो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा प्लस की आइडेंटिटी का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे माइनस की आइडेंटिटी का। बस इसमें आपको साइंस का ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो जब राइट हैंड साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आए तो वीडियो को शेयर करते चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते